आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बाद ये उनका फर्स्ट एवर टाइम था कि उनको एक ही अवार्ड शो में बहुत सारे अवार्ड दिए गए। वो कौन से दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को अवार्ड दिए, आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। बताते चलें आपको आलिया भट्ट के बारे में, बताते चलें आपको रणबीर कपूर के बारे में। तो पिछले साल उन्होंने शादी की और शादी का खूबसूरत बंधन में बंधने के बाद आलिया भट्ट ने मूवी गंगूबाई में एक ऐसा रोल अदा किया जिसकी वाकई पूरी जनता, पूरी आम, पूरा इंडिया तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। खैर गंगूबाई की वजह से इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑफ 2021 का अवार्ड मिला। और उसके बाद बात की जाए रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर ने बेस्ट ऑफ शिवा पार्ट वन में एज अ हीरो किरदार अदा किया जिसकी वजह से जिस मूवी को भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। और खैर 8 साल से बनी हुई अयान मुखर्जी की वो मूवी थी और उसके बनने के बाद उसको भी बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला, जिसको लेने के लिए खैर रणबीर कपूर वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन खैर उनकी वाइफ आलिया भट्ट ने वो अवार्ड जीता। और रेखा साहब ने उनकी बॉन्डिंग देखकर रेखा और फिर आलिया भट्ट के फैंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आखिरकार यंग जनरेशन को जिस तरीके से पिछली जनरेशन यानी कि रेखा ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, ये सपोर्ट सिस्टम अगर बॉलीवुड में चलता रहे तो बॉलीवुड इसी तरीके से अपने सांसें भरता रहेगा। व्यूअर्स आपको इनकी बहुत ही खूबसूरत सी बॉन्डिंग, आपको आलिया भट्ट का गंगूबाई में एज अ फीमेल एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और जबकि इन्हीं के हस्बैंड रणबीर कपूर का शिवा पार्ट वन में एज अ बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड जीतने के कितनी ज्यादा खुशी है, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।